साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त हीरालाल जाट और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। साथियों आज एक्सेल लर्निंग का वीडियो नंबर है 15, यानी 15 नंबर वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत इंसर्ट टैब के अंतर्गत जो थर्ड ऑप्शन है चार्ट, इस चार्ट को देखने वाले हैं। इस चार्ट के बारे में आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार हम डेटा एनालिसिस करने के लिए चार्ट निर्माण करते हैं, चार्ट को क्रिएट करते हैं। चार्ट तैयार करने के लिए हमारे पास कुछ डेटा यानी आंकड़े होने चाहिए, उसके आधार पर ही हम ये चार्ट निर्माण कर सकते हैं। हमने कुछ डेटा तैयार किया है और इन डेटा का हम चार्ट तैयार करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटा सा आग्रह, अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें तथा अपने अधिकतम साथियों तक इसको शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताने वाले हैं चार्ट क्रिएट करना, चार्ट का कैसे निर्माण किया जाए, उसकी कैसे डिजाइन हो और चार्ट निर्माण करने से पहले हमारे पास क्या क्या स्टैटिस्टिक्स या क्या क्या आंकड़े होना चाहिए। चार्ट को तैयार करने से पहले हमारे पास कुछ ऐसे आंकड़े होने चाहिए, डेटा होने चाहिए, ताकि हम उसके आधार पर, ये जो रो मटेरियल है, कच्चे आंकड़े हैं, इसके आधार पर ही हम कॉलम्स में या लाइंस में या पाई के आधार पर या बार के आधार पर हम एक शानदार चार्ट का निर्माण कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कुछ डेटा है और इन डेटा का हम तैयार करेंगे चार्ट, और चार्ट के अंतर्गत भी काफी ऑप्शन है। इसमें से जो पहला ऑप्शन है कॉलम, आप कॉलम के आधार पर डेटा तैयार कर सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे इसमें बहुत सारी ऑप्शंस है, इन सारे ऑप्शंस के आधार पर हम चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे 2D, 3D, सिलेंडर, कौन और भी नाना प्रकार की डिजाइन और आपके सामने मिलेंगे चार्ट तैयार करने के लिए ये ऑप्शंस। हम सबसे पहले 2D कॉलम्स के अकॉर्डिंग बनाते हैं चार्ट। चार्ट बनाने से पहले हमें उन डेटा को सेलेक्ट करना पड़ेगा। डेटा सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैब के अंतर्गत जो थर्ड ऑप्शन है चार्ट, इसके अंतर्गत जाएंगे और इसका जो पहला ऑप्शन है कॉलम्स, इसके अकॉर्डिंग हम चार्ट बनाएंगे। इसके अंदर भी पहला ऑप्शन है 2D कॉलम, इसके अंतर्गत हम चार्ट तैयार कर रहे हैं। जैसे ही क्लिक किया इस प्रकार का चार्ट आपके समक्ष क्रिएट हो चुका है। जैसे आपके समक्ष डेटा है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको चार्ट नजर आएगा। यहाँ पर ये कॉलम सेलेक्ट रहना चाहिए ताकि ये आपको दिखाएगा पैरामीटर, ये पैरामीटर बताएगा कि कौन सा डिजिट कितनी हाइट लिए हुए हैं, यानी वो डेटा कितना है। यहाँ पर जो नीचे दिखाएगी ये रो बार एक्स वाले, ये है वाई वाली और ये है एक्स वाले। यहाँ पर आपको दिखाएगा जो आपने ये कॉलम सेलेक्ट कर रखा है इसके अंदर जो जो नेम्स होंगे वो इस बार पे आएंगे, तथा जो आपने संख्या के स्टैटिस्टिक्स लिए हैं वो इस बार पे आएंगे। जैसे हम रेखा गणित के अंदर जो हम ग्राफ बनाते हैं उसके अंदर जिस प्रकार से ग्राफ तैयार होता है, वैसा का वैसा ग्राफ यहाँ पर भी तैयार होता है। हम भी जो आधार लेते हैं x वाला वो यह हो गया, और जो y वाली लाइन होती है वर्टिकल वो ये हो गई। हम ये आयताकार वाले ग्राफिक्स बना दी है। अब इसके अंतर्गत भी आप नाना प्रकार की डिजाइन ले सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो इस प्रकार की डिजाइन दिखेगी आपको, ऐसे देखोगे तो इस प्रकार की डिजाइन दिखेगी, ये देखना चाहो तो इस प्रकार की डिजाइन आपको नजर आएगी। इसके अलावा भी आपको ऑप्शन मिलेंगे कि इसकी टाइप कैसी हो, वैसे ये ऑप्शन आपको बार भी मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं इसके अंदर स्विच और रो कॉलम। जैसे ही आप चार्ट टूल पर क्लिक करके डिजाइन पे क्लिक करोगे तो डिजाइन के अंतर्गत आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेटा है, उसके अंदर पहला ऑप्शन मिलेगा स्विच रो एंड कॉलम। आप इसको स्विच कर सकते हैं, यानी अभी आपको जो रो के अंदर दिखाई दे रहा है उसको आप कॉलम के अंदर ले जा सकते हैं, और जो कॉलम में दिखाई दे रहे हैं उसको रो के अंदर ले जा सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर हमारे पास पैरामीटर है गर्ल्स और बॉय, ये अभी कॉलम के अंदर आ रहे हैं। आप चाहते हैं कि मैं इसको गर्ल्स
और बॉयज को देखूं यहाँ पर रो के अंदर और बाकी कॉलम में नजर आए, तो यहाँ पर जैसे आप स्विच पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ये डिजाइन बन जाएगी, बॉयज एंड गर्ल्स नीचे आ गए हैं और बाकी जो स्कूल्स नेम है वो यहाँ आपको साइड में कॉलम के अंदर नजर आएंगे। और यदि आप इसको पुनः स्विच करते हो, जैसे इस पे क्लिक करोगे वापस वो अपनी पुनः स्थिति में आ जाएगा। आपने पहले जो सिलेक्ट किए हैं वो डेटा कम है और डेटा इसके अंदर ऐड कराना है, तो आगे लिखा है सिलेक्ट डेटा, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा या यहाँ से रिमूव करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे मैं ऐड करूंगा तो यहाँ पर और मुझे कहेगा कि कौन सी सीरीज को और ऐड कराना है, तो मैं यहाँ पर जो ये है इसको सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे इस पे क्लिक करूंगा ओके करूंगा तो एक और आ गया इसके अंदर, जैसे ओके करेंगे अब इसमें टोटल भी इंक्लूड हो चुका है। अब हम इसका अगला डिजाइन देख लेते हैं। अगला जो डिजाइन है वो हमारे पास है 3D। अब ये 3D के अंदर किस प्रकार से दिखाई दे वो देख लेते हैं। पहले तो हम इस रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं। रेंज को सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे 3D पे। जैसे ही 3D पे क्लिक किया तो इस प्रकार 3D के अंदर ये आपके पास चार्ट बन चुका है और इसके अंतर्गत तीन ऑप्शन लिए थे, तीनों इस प्रकार आपको दिखाई दे रहे हैं। इसकी डिजाइन चेंज करना है तो आप अपने स्तर पर कर सकते हैं। डेटा सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप यदि इसके अंदर स्विच कराना चाहते हैं तो स्विच करके टोटल गर्ल्स और बॉयज को नीचे ला सकते हैं, स्कूल को साइड में ले जा सकते हैं। इस प्रकार इसको आप अपनी तरफ से कैसी भी डिजाइन दे सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं इसकी और कौन सी डिजाइन है। यहाँ पर लिखा है लाइंस। लाइन पे जैसे क्लिक करोगे और ओके करोगे तो ये लाइन के अंदर आपको इस प्रकार से डिजाइन नजर आएगी। अब मैं इसको स्विच करा देता हूँ तो स्विच करके देखेंगे तो ये तीनों जो पैरामीटर है इस प्रकार चल रहे हैं। इसमें से एक पैरामीटर मैं हटा देता हूँ। मैंने ये सिलेक्ट किया, यहाँ पर तीन पैरामीटर थे, एक पैरामीटर को यहाँ हमें रिमूव करना है, हमने इसको रिमूव कर दिया। अब दो ही पैरामीटर है। आपने इस प्रकार का ग्राफ कहीं देखा है? सोचिए थोड़ा। हाँ देखा होगा, जब क्रिकेट का मैच चल रहा होता है, जब दो टीमों के रनों का एनालिसिस होता है तो इस प्रकार की डिजाइन बनती हुई आपने देखी होगी। तो ये इस प्रकार से ग्राफ तैयार होता है, जैसे एक टीम की जो रन गति है इस प्रकार से बड़ी है। हम चाहते हैं कि थोड़ा इसका कलर अलग हो ताकि आपको और ढंग से नजर आए, तो इस प्रकार आप इसका एनालिसिस करा सकते हैं। अलग अलग प्रकार के डिजाइन हैं, आप कैसा भी कलर ले सकते हैं। ये कहलाता है लाइन। फिर पाई के आधार पर भी बना सकते हैं, इस प्रकार पाई बनेगी और ये पाई के अकॉर्डिंग भी आपके सामने डेटा तैयार हो चुका है। ये काम तो आपने रेखा गणित के अंदर पाई चार्ट बनाया होगा, किया होगा। आप यहाँ एक्सेल के अंदर बड़े शानदार तरीके से पाई चार्ट बना सकते हैं। इसकी डिजाइन को भी आप चेंज करवा सकते हैं, जैसी डिजाइन आपको पसंद है वो डिजाइन आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसकी और डिजाइन को चेंज करके देखते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे मिलेंगे, आप जैसे इस प्रकार का चाहते हो तो ये इस प्रकार का भी नजर आएगा आपके सामने, एक सुंदर डिजाइन। इस प्रकार की डिजाइन देखना चाहते हो तो इस प्रकार की डिजाइन नजर आएगी। आप आगे बढ़ते हो और इस प्रकार की डिजाइन देखना चाहते हो तो इस प्रकार की डिजाइन भी नजर आएगी। तो नाना प्रकार की डिजाइन है, आप उसका लेआउट भी चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर आप कुछ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जो डेटा लिखा है इस डेटा की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसके लेआउट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अभी आपका इसका ले है वो व्हाइट कलर के अंदर नजर आ रहा है, आप चाहते हो कि इसके अंदर अलग डिजाइन दिखे तो इस प्रकार आपको ये एक नाना प्रकार की कलर्स हैं, डिजाइन है, आप ले सकते हैं और अपने चार्ट को सुंदर सा बना सकते हैं। इसके अंदर जो फॉन्ट कलर है उसको भी चेंज कर सकते हैं। ये फॉन्ट चेंज करने के यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है, आप चेंज कर सकते हैं। उसके अंदर शेप में आप कोई भी अपने हिसाब से कलर फिल करवा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप इधर डिजाइन के अंदर आके ही चेंज करें, आपको ये बाहर भी मिल जाएंगे, जो इंसर्ट टैब है ना, इंसर्ट टैब के अंदर ये कॉलम्स हैं, ये लाइन है, ये पाई है और ये बार है, ये बार का ऑप्शन बाहर भी मिल जाएगा। अब एरिया, एरिया के अंदर अगर जैसे सिलेक्ट करोगे तो एरिया के अकॉर्डिंग ये आपके सामने चार्ट बन चुका है। इसकी डिजाइन भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ डिजाइन पे क्लिक करिए, आपको नाना प्रकार की डिजाइन्स नजर आएगी, उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर पाएंगे। और अगला जो ऑप्शन है स्केटर, स्केटर के अंदर आप
इस प्रकार की डिजाइन देखेंगे। ये स्केटर की तरह चलती है, जैसे अभी आपको फिलहाल लाइन दिखाई देता वैसा के वैसे स्केटर भी है। और आप किसी क्रिकेट मैच के अंदर जैसे औसत रन देखते हैं तो उसके अंदर इस प्रकार की डिजाइन आपने देखी होगी, वैसी डिजाइन आपको यहाँ मिल रही है। शायद आपने इस प्रकार का चार्ट देखा है क्या? देखिए ये अलग तरह का ही चार्ट है, आपको मैं और डिजाइन बताता हूँ। देखो ये इस प्रकार का डिजाइन का एक चार्ट है आपके सामने, और एक इस प्रकार का चार्ट भी मिलेगा। क्या आपने इस प्रकार का चार्ट पहले क्रिएट किया है? अगर किया है तो भी कमेंट करके बताएं, और नहीं किया है तो भी कमेंट करके बताएगा। इस प्रकार के चार्ट भी बनते हैं, देखिए इस प्रकार की डिजाइन का चार्ट भी आपके समक्ष बनाया है। तो ये नाना प्रकार के चार्ट्स बनाने के ऑप्शंस है। आपको कहीं प्रेजेंटेशन देना है तो इस प्रकार डेटा एनालिसिस करके सबको अच्छी तरीके से समझा सकते हैं, उसके लिए चार्ट निर्माण किए जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा ऑप्शन है हाइपरलिंक्स का। ये कहाँ काम आता है? हाइपरलिंक्स जो होता है वो एक शीट को दूसरे शीट से अटैच करने के लिए काम आता है। जैसे हमारे पास इस प्रकार का एक शेप बना हुआ है और एक शीट का नेम लिखा हुआ है। अब ये कैसे बनता है ये आपको मैं वापस बना के दिखा देता हूँ। जैसे मैं शेप के अंदर गया, यहाँ से मैंने कोई एक डिजाइन ले ली, जैसे हमने ये एक डिजाइन ले ली। इसका अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो तो बहुत सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे। जैसे इस प्रकार का कलर हमने ले लिया है, यहाँ पर आप कोई भी नेम दे सकते हो। मैंने अभी इसके ऊपर शीट नंबर 5 लिखा है। अब ये थोड़े फॉन्ट छोटे हैं, इसके साइज को आप बड़ा कर दीजिए। आपको ये सारे कुछ पिछली क्लासेस के अंदर समझा रखा है। अब मुझे शीट नंबर 5 से इस शीट को लिंक करना है, तो इस पे क्लिक करिए। यहाँ पर आपको मिलेगा हाइपरलिंक, इस पे क्लिक कर दीजिए। हाइपरलिंक को क्लिक करने के बाद यहाँ देखोगे यहाँ लिखा है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट्स, इस पे क्लिक करना है। आपको पुनः बता रहा हूँ, सबसे पहले तो जिससे आप लिंक कर रहे हो वो सिलेक्ट रहना चाहिए। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं हाइपरलिंक पे क्लिक करूंगा। हाइपरलिंक पर क्लिक करने के लिए आप कंट्रोल प्लस के भी कर सकते हो, सीधा इस ऑप्शन पे आ जाओगे। उसके बाद हमें इसी सीट के अंदर अगर हाइपरलिंक से जोड़ना है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट्स, आपको नजर आ रहा होगा, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो आपको जोड़ने के लिए ये लिंक्स मिल जाएंगे। आप किस सीट से इसको अटैच करना चाहते हैं, जैसे मुझे 5 नंबर सीट से अटैच करना है तो इस पे सेलेक्ट किया, उसके बाद इसको ओके किया। अब ये जो ऑप्शन है यहाँ पर देखो हाथ बना हुआ आ जाएगा, हाथ का निशान आपको नजर आ रहा है। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे ये सीट नंबर 5 पर लेकर जाएगा। हम जब भी कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं तो एक सीट को दूसरी सीट से लिंक करते हैं, तो ये लिंक करने का ऑप्शन है। अब मुझे वापस उस सीट पे जाना है तो आप एक यहाँ पर भी हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आप शेप के अंदर जाइए, शेप के ऊपर जाकर आप कोई भी निशान ले सकते हैं। जैसे मुझे तो इस प्रकार का सिंबल चाहिए तो ये क्लिक कर दिया और पीछे की तरफ अब मैं जाना चाहता हूँ। इसको हमें वापस जोड़ना है हाइपरलिंक से, तो इस पर आपको क्लिक रखना है। क्लिक रखने के बाद जैसे क्लिक करोगे तो इसमें डिजाइन चेंज करने के ऑप्शन भी आपको मिलेंगे। मुझे अभी कोई डिजाइन चेंज नहीं करनी है, यही डिजाइन रखनी है। उसके बाद अभी लिंक करने के लिए या तो आप कंट्रोल प्लस के करो, अगर ये आपको याद नहीं रहता है तो इंसर्ट पे जाओ। इंसर्ट पे जाके ये हाइपरलिंक, ये भी आपको पता नहीं है, आप अपने माउस पर राइट क्लिक करिए और देखेंगे यहाँ पर हाइपरलिंक लिखा है। मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं, एक तो आप शॉर्ट की कंट्रोल प्लस के कर दो, या फिर आप यहाँ पर इंसर्ट टैब के अंदर आओ, या आप अपने माउस का राइट क्लिक करके यहाँ आ सकते हैं और इस पे क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्लिक करते ही ये एक बॉक्स खुलेगा, इसके अंदर इंफॉर्मेशन आपसे ली जाएगी कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, इसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाना चाहते हैं, इसलिए इस पे क्लिक रखना है। जो पिछली सीट है यानी सीट नंबर 4, आप कोई नाम भी रीनेम कर सकते हो, तो इस पे हमने क्लिक किया फिर ओके किया। अब ये लिंक हो चुका है।
इस पे ये हाथ का निशान आएगा। जब तक ये हाथ का निशान नहीं आए इसका मतलब ये लिंक नहीं है। हाथ का निशान आ जाता है तो अब ये लिंक हो चुका है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आप इस सीट पे आ चुके हैं और वापस वहां जाना चाहते हैं तो यहाँ पर हाथ का निशान है, इस पे क्लिक करो, आप वहां उस सीट पे चले जाए। आपको ये नीचे सीट सेलेक्ट करके ओके करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट वहां जा सकते हैं। इसी को हम कहते हैं हाइपरलिंक करना, यानी एक सीट को दूसरे सीट से जोड़ना, आप डायरेक्ट वहां जा सकते हैं। आप इसी सीट के अंदर नीचे जाना चाहते हो तो भी आप जा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ एक अलग शेप ले लेता हूँ, इस प्रकार का एक शेप ले लिया, मैं इसकी थोड़ी डिजाइन कर लेता हूँ, इसका कलर थोड़ा अलग कर देता हूँ ताकि अलग तरीके से नजर आए। जैसे मैंने ये ले लिया डिजाइन, अब मैं इसको हाइपरलिंक करूंगा। इसमें जैसे ही मैं जाऊंगा राइट क्लिक करूंगा तो भी हाइपरलिंक आएगा, मैं यहाँ पर इंसर्ट टैब में जाऊंगा यहाँ पर भी हाइपरलिंक आएगा। अब ये कहेगा कि कहाँ जाना, जैसे इसी सीट के अंदर जाना है तो ये सीट नंबर कौन सी है, तो ये सीट नंबर है 5, इस पे ओके करूंगा। अब मुझे जाना कहाँ है, मुझे जाना है ए कॉलम के 51 रो के अंदर, तो ए कॉलम और 51 रो लिख दिया, उसके बाद मैंने कर दिया ओके। अब मैं यहाँ पर हाथ का निशान आने के बाद क्लिक करूंगा तो ये मुझे इसी सीट के अंदर नीचे 51 पर लेके जाएगा, और यही देख लो इसी सीट पर लेके जा रहा है। जैसे क्लिक करोगे ये यहाँ लाके आपको छोड़ेगा, वापस इसको लिंक कर दो ऊपर टॉप पे जाने का तो आप उस टॉप पर भी जा सकते हैं। इसके अलावा ईमेल से भी आप ये हाइपरलिंक अटैच कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर कोई ईमेल करोगे लिखोगे वो हाइपरलिंक हो जाएगा। जैसे मैं अपनी ईमेल को यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, फिर आपको ये लिखना है @@@ के बाद gmail.com कर दिया क्योंकि जीमेल पर बना है। हो सकता है आपकी ईमेल रेडिट पे हो सकती है या याहू पे हो सकती है या फिर आपकी जो सरकारी ईमेल है rajasthan.gov.in पे बनी है, तो कहीं पर भी बनी हो सकती है। उस प्लेटफॉर्म को या @ के बाद में लिखें, उसके बाद आप टैब बटन से आगे बढ़े। जैसे ही टैब बटन से आगे जाएंगे तो ये हाइपरलिंक हो चुकी है। इस प्रकार का नीचे अंडरलाइन आया है, इसका जो ये आसमानी कलर हो चुका है, और यहाँ पर ये आप देखोगे यहाँ पर हाथ का निशान भी आ रहा है, ये हाइपरलिंक हो चुका है। इसको हाइपरलिंक करने के लिए आपको बीच में @ लिखना होगा। जैसे ही @ लिखोगे तो ये हाइपरलिंक हो चुका है। आप चाहते हो कि इस पर हाइपरलिंक नहीं रहे तो आप माउस से इस पर राइट क्लिक करिए, यहाँ पर लिखा है रिमूव हाइपरलिंक, जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से अब हाइपरलिंक हट चुका है, अब कोई लिंक नहीं है। वापस इसको लाना है तो जैसे ही इस पे हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे यहाँ पर मेल है, मेल का जो आपका एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ लिख दीजिए। जैसे ये एड्रेस है ये एड्रेस लिख के फिर ओके कर दीजिए, तो इस प्रकार से वापस हाइपरलिंक हो जाएगा। एक बार और करके दिखा देता हूँ। जैसे मुझे यहाँ नीचे करना है, हाइपरलिंक पे गया, मेल यहाँ पर एड्रेस मांगेगा, आप अपना मेल एड्रेस टाइप कर दो, टाइप करने के बाद ओके कर दो, इस प्रकार से ये मेल एड्रेस आपका लिंक हो जाएगा। आप इस पे क्लिक करोगे तो सीधा आपका ये मेल खुलेगा, गूगल क्रोम में खोलना है ओके कर दीजिए। जैसे ही आप गूगल क्रोम यहाँ पर खुलेगा सीधा आपको मेल पे लेके जाएगा। इस प्रकार आज हमने इस वीडियो के अंतर्गत एक तो चार्ट ऑप्शन लिया है और दूसरा हाइपरलिंक ऑप्शन लिया है। दोनों ही अति महत्वपूर्ण ऑप्शन है। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हो तो उसके अंदर ये दोनों चीजें आनी अनिवार्य होती हैं। ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझाई है। अब हम इस वीडियो को यहीं करते हैं फिनिश, आपसे लेते हैं आज्ञा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।